गाइस आलो आम्ही रिटर्न ये वी आर बैक कसाला कुछ फर्क नहीं पड़ता मर्द को कभी दर्द नहीं होता बेस्ट फ्रेंड है और बहुत बड़ा शैतान है मेरे बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और कुछ तो लाने गई है देखते जा रहे हैं डर्टी माइंड वाला माणूस नाही झालं कोकम सर कसं लागलं कोकम सर आज का ब्लॉग बहुत ही सही था मस्त आपको आई होप पसंद आ रहा रहेगा जिस पल का आपको इंतजार था वो पल थोड़ी ही देर में आने वाला है जिस पल ने आपने सोचा था ना कि वो होना चाहिए वो होने वाला एंड आप सभी को गुड़ी पहाड़ों की बहुत बहुत शुभकामनाएं अभी हम लोग घर से निकले आज मैं पहली बार नहीं दूसरी तीसरी बार घर से बाहर वीडियो बना रहा हूँ चलो अभी चलते दिशा से मिलने बता देता हूँ सीधा सीधा अभी जाने वाले हम लोग दिशा से मिलने एंड जिस पल का आपको इंतज़ार था वो पल थोड़ी ही देर में ख़त्म होने वाला है तो जाते दिशा से मिलते एंड एंड कुछ नहीं चलो मिलते दिशा से और आपको भी मिलाऊंगा उससे में चला गाइस तो अभी हम लोग निकल चुके चलते हैं फटाफट हमारे साथ स्वामी भाई सुजल भाई और दादा है बस हम चार लोग जा रहे हैं एंड वहाँ पर आपको मैं दिशा से मिलाऊँगा जाते चला बहुत कमेंट कर रहे थे ना चलो अभी जाते फाइनली गाइस तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं दिशा के यहाँ पे एंड चलते जाते उसके घर पे जाने वाले हम लोग वहाँ पे बैठ लें एंड अब से मिलाने वाले बस ज़्यादा कुछ नहीं चलो चलते ना बच्ची चला बाहर गए लेते गाइस तो मैं आ चुका हूँ सैमी भाई के साथ दादा भाई और लोग गए एंड अभी मैं दिशा के घर पे हूँ आपको मिला हूँगा थोड़ी देर में बरोल कितने बच्ची के दिल में चाय चाय क्या है बच्ची के दिल में चाओ चू तो अभी मैं आ चुका हूँ एंड अभी थोड़ी देर के बाद आपको दिशा को मिला था थोड़ा मुँह वगैरह धोए नहीं गई लगता है नुसती मेकअप रे भैयांचा काय आहे मुलींचं हे मला समजतच नाही नुसती मेकअप करत असतात ते कसं व्हायचं यांचं रे बाबा भेटू असेल नंतर गाइस तो समय की घडी खतम अरे कहना क्या चाहते हो खतम होती है अच्छा गावात रे घडी का समय खतम होता है एंड दिशा की एंट्री होने वाली ये बराबर वीडियो आ रहा है कि नहीं मैं पहले देखता हूँ नहीं तो उसकी बेचारी की एंट्री खराब हो जाएगी हाँ माता माहिती है ना तुला भेटा आलो मी बोलत आलो आता फक्त तुला एंट्री करायची मैं आ गया हाँ तो अभी ये वीडियो देखते कल से उसके बाद दिशा की एंट्री गाइस गाइस फाइनली दिशा अभी आ जाती 5-10 मिनट हो गया उसको मैं बोल रहा हूँ ऐसा अभी वो कुछ तो किया है उसने देखो आप अभी गाइस आलो आम्ही रिटर्न ये वी आर बैक यस वी आर बैक कितने काय लगाले ही हाल वीडियो दे टेंशन नहीं ती पागल झाले काहीतरी झाले बोलते चांगला ना आलो छान झालं काय दादा आम्ही सांगू काय गाइस अभी हम लोग बोलेंगे क्या हुआ था हमारे बीच में तो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा विषय चला गाइस तो दिशा और मैं रील क्यों नहीं बना रहे थे अभी वो दिशा बताने वाले आपको गाइस माझी 10th होती ना म्हणून आम्ही रील नव्हतो काढायचो थोड़ा ब्रेक ठेवलेला मध्ये आता परत रील काढू परत पहिल्या सारखंच खूप प्रेम द्या आणि अजून खूप फेमस कर थैंक यू गाइस नाही बोललेलं तुला असं बोलला थैंक यू म्हणजे फेमस आधा घंटा लगा इतने सा बोलने को बाय बोलना गाइस इसकी 10 चालू थी ना बाय पण बोलना रहती का इसकी 10 चालू थी ना इसलिए वो थोड़ा अभ्यास को ज्यादा प्रमोट कर रही थी पढ़ाई अभ्यास पढ़ाई एकच असते थी आमच्या मध्ये
तो थोड़ा ज्यादा अभ्यास कर रही थी विषय ऐसे, अभी वो नापास होने वाले, तो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। एंड वी आर बैक, वैसे ही पैर दिखाना जैसे पहले दिखाते थे, अब हम लोग फिर से मार्केट में आए तो मचा के जाएंगे बच्ची के दिल में चौ चौ। घाबरा था नस्त पागल मैं का करते अकड़ी पागल है भाई काय नहीं होना तीज ये चला कुछ कुछ बार रातों में आपको बताऊँ। एंड फाइनली मिल चुके, आपकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी, मतलब कितनी कमेंट दे दो मैं तेरे को कमेंट वाली मिकी भाई को जरा सा ये आया है क्या है एटीट्यूड आया है इसलिए नए बना रहे थे, पर मेरा 10th भी था इसलिए अभी फिर से बनाएंगे। मुझे एटीट्यूड ऐसा कहाँ लगता गाइस, ये ना बहुत लोगों को लगता है कि बहुत एटीट्यूड है इसको, बहुत एटीट्यूड दिखाता नहीं आपका मिकी भाई, अच्छा नहीं है आपका मुझे एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है, फिर भी इनको लगता है एटीट्यूड है। अच्छे बड़े आईफोन बोलते हैं चला बिना आरो कैसे ये देख भाई को मारा, अभी भाई बदला लेगा देखो भाई को मारा बदला लिया देखो भाई ने अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। ये नहीं था बॉडी ऐसे नहीं बनाई कुछ नहीं, इसमें दम कुछ नहीं है, बस बोलता है ये देखो कैसे डर के इधर बैठे मिकी से अंदर भाग गए मिकी को देख के चल माफ केला तुला मी जान दो गाइस इसको किधर मारू, पहले ही आग जीव नहीं मारला इधर की जीव नहीं इसकी हिंदी देखो इसमें तो हाँ कोई होगा तो मुझे बताओ मैं क्लासेस के लिए आता हूँ हिंदी क्लासेस ज्वाइन करना रे मिकी खाली दोस्त है तो कुछ गलत विचार नको करा डोका तो अभी थोड़ी देर में आप लोग घर चले जाएंगे, इसको हिंदी सिखाऊंगी मैं, आप टेंशन मत लो, ये बहुत गलत फहमी का, ये गलत बोलता है, गलत फहमी तुमको बात हो रही है, इसको खुद को हिंदी नहीं आ रही हो। और हमारे ब्लॉग को बहुत बहुत लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फोन लगाए नहीं नहीं बता रही उसी नहीं लास्ट ला बोलो हाँ तो गाइस ये क्लियर कर रहा था शी इज माय बेस्ट 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 फ्रेंड एंड बाकी कुछ नहीं, हमारी दोस्त है बहुत अच्छी मेरी हमारी नहीं यार मेरी तो देखते बाद में मिलते हैं, हम लोग थोड़ी देर में अभी निकलेंगे घर को, भाई को जाने का इधर को बाहर भाई नहीं हूँ मैं दीदी हूँ दीदी बोलते हैं मुलगी हूँ मुलगी है जिसको जाने का थोड़ा बाहर वो मैं बताऊँगा आपको बाद में चला बच्ची जा रही बस चौ चौ मेरे बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाली अभी यार कुछ तो लाने गई है देखते क्या करती है सपने I love you to all क्या ये अभी ये फनी और ये नंबर अब हम इनके इसके बाल बांधेंगे इनके वो मेरे को सवा है ऐसे क्या सवा है हैबिट मुझे आदत है बोलना
मैं केस छोटे जाता मैं छोटे केस छोटे आपका घोसला है तो पक्षांचा गाइस उसके मेहंदी के बाल एकदम पूरे मेरे पास इतने रफ है ना बाबा बाबा कैसे क्लिनिक प्लस से धोने का किससे धोने का क्लिनिक प्लस इससे अच्छा हो जाता है स्मूथ होता है आप भी वही यूज करते हो क्या सैमी भाई ज्यादा बोलते हैं स्मूथनिंग का शैम्पू यूज करते कौन सा यूज करते हैं स्मूथनिंग किया है ना हाँ उसका शैम्पू नीला को 650 का किया है सॉरी 650 का शैम्पू है मेरा अच्छा क्लिनिक प्लस 1 रुपए का होता है इसमें तेरा इसमें तेरा घर चला जाएगा सच में गाइस सैमी ज्यादा बोलता है बट तब बोलता है ना इतना फनी बोलता है वो मेरे को ही बोलता है ऐसे दूसरे को किसको नहीं बोलता है सच में किसी को पता नहीं इसका बाल है स्ट्रेन किया सब बट भी निकालते गाइस ये नया हेयर कट आया आज देखना दिशा ने बनाया नया हेयर कट कैसा लगा कमेंट में जल्दी बताओ ये देखो ये बट निकल आया गलती हेयर स्टाइल को टेल में के कितना दोगे बताओ आपका कट में नहीं अच्छा नहीं वो ऐसा ही बांध देता है टाइम पर देखिल दे गाइस ये नया हेयर कट निकाला है दिशा ने हां सैमी का भी करूंगी थोड़ा गाइस मुझे नहीं कराना ऐसे हेयर कट नहीं ऑफर फ्री ऑफर घर में दी कर दो यार छोड़ मत ऐसे ही पहन के जाएगा यार बेचारे की कुछ कुछ बोल भी नहीं सकता है मारते मन गाइस ये बहुत डरता है दिशा से बहुत डरता है दिशा से डरता है बहुत डरता है आपको क्या लगता है कमेंट में बताओ उसका सेंटेंस मैंने बोल दिया आपको क्या लगता है कमेंट में बताओ मैं दिशा से डरता हूँ या नहीं डरता है बहुत डरता है आपको दिखाता नहीं है वो पर तुम इतनी लाजमी लोग क्यों काय बोला लाजते का देव लाजते ना माझ्या डोळ्याचं ना पाण्याचं प्रॉब्लेम आहे अच्छा तेच पाणी होतं ना चष्मा लग गया बट वो अभी तक दिखा रहे नहीं नहीं चष्मा नहीं लगा इसका मत सुनना उसको प्रॉब्लम है उसके आंख में से पानी आ रहा था वो एक जगह पे रुक नहीं सकते एक जगह पे देख नहीं सकते वो तो काम है वापस जाओ ना अरे वो ना ब्यूटी पार्लर अभी नहीं किया था गाइस मुझे भी फॉलो करो प्रमोशन करूंगी फॉलो करो जल्दी जल्दी यहाँ पे वीआईपी ट्रीटमेंट हो रही है यार हमारे लिए स्पेशल दिशा कोकम शरबत बनाने दाखो दिशा हमारे लिए कोकम शरबत बना रहे तो मुझे भी उठा गया ब्लॉग में दिखा मैं कर रही हूँ बराबर नीट आज आज समझ में इज्जत है आपको दिन के बाद आया है ना घर पे उसको हमारा घर नहीं दिखता है बाकी सबका घर दिखता है ना कोणाच्या घरी जात नाही मी माझ्या घरी बोलतो पण मी माझ्या घरी बोलतो चल बना चल भाषण नको झालं सेटअप कोकम शरबत बनाते दिशा अभी उसकी मेरे को आता है बोल दाखो कसा काय काय टाकायचं बोल दाखो फक्त पाणी टाकायचं आणि कोकम शरबत टाकायचं बस झालं सुरू होते खत्म हो गए आणि हे टाकायचं आपलं काय बोलतात त्याला काय चम्मच घालायचं कोकम शरबत टाकायचं आणि चम्मच घालायचं असं पूर्ण बोलायचं अच्छा गाव बहुत गंदा लड़का है काय संबंध गंदा काय पण आहे का उसको अलग में नहीं चाहत रहा है मी डर्टी माइंड वाला माणूस नाही लागा
झालं तू कसं मजा घेतोय नाही थोडस अजून लाल करायला पाहिजे अजून का अजून टाकायचं थोडं आंबट चिंबट की ना करतोय आंबट चिंबट काही पण काही पण बोल डोकं नाही दिलं देवाने डोकं दहावीने घेतलं वाटत पूर्ण खूप अभ्यास केलाय तिने दहावीमध्ये ती बोलते तसं बघू आता माहिती तर पडणार तुम्ही तो तुम्ही बतवा किती नाही मी त्याला सांगणार नाही तुम्हाला काय कळेल अरे मी आहे भाई तुला कुठून समजणार पण नाही कारण मी कोणालाच नाही सांगणार बघू ना मम्मी साखर टाकू का यामध्ये तुला काय येतं मग मम्मीलाच विचारू का काय माहिती मम्मी लाल नाही झालंय अरे ते ग्लास तस आहे तू नाही मिळणार का किती शाळे रे बाबा किती शाळे सॅमी भाय कोण आहे मैत्री काय पण बोलते काही पण पप्पी दे पप्पी दे पप्पी मैत्रीला पप्पी दे सॅमी भाय चांगलं लागत चांगलं अच्छा चांगलं लागते पिलं मी फ्रीज मध्ये रखता फ्रीज मे फोन मेरा 11 रखता अभी 14 का इतना कोई टेंशन नहीं रहता फिका लागते थोडं पाण्यासारखं वाटतंय कधी परफेक्ट केलंय का तुम्ही काय दिशा ते पप्पा आहे बघा असं मध्ये मध्ये नसतं टाकायचं ते एकदा परफेक्ट बनवून आणायचं असत आता मिक्स करायला पण आण काहीतरी आता जास्त झालंय का आता जास्त झालं असेल तर सॅमीला ते भरून दे आता जास्त झालं असेल उसके लिए हा बोल वो ब्लॉग देखले वाली खुद रहेगी वो ब्लॉग देखेगी देखेगी कैसे नहीं इसका सब ब्लॉग देखती है आता बरोबर लागतं चला मिलते बाद में थोड़ी देर के बाद अच्छा बनाया दिशा ने गाइस तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे एंड अभी मैं दिशा का वेट कर रहा हूँ आपसे मिलाता हूँ इस ब्लॉग को एंड में नहीं बाकी और ब्लॉग मतलब अभी मिलाता हूँ आपसे उसके बाद कुछ नहीं उसको मिला था उसका वेट कर रहा हूँ बाहर कब आएगी क्या बता अभी ना नकरे ना भाई हाँ भाई तो कहाँ भाई तेन अरे बाबा बोल रही ना कसा लागलं कोकम सर रिएक्शन परत परत एकदा ती ब्लॉग बघणार आहे ब्लॉग बघणार आहे काय म्हणजे पसंत नाही हो मी पिता नाही हूँ कभी फर्स्ट टाइम पिया है मुझे अच्छा नहीं लगता हूँ फिर भी उसका मन रखने के लिए उसने पिया था ती आली भाई हाई काही विकायची थी रुको उसका आने का वेट करता हूँ मैं फिर से ब्लॉग चालू करूँ आई गाइस तो अभी या साइड ला चल रहा या गाइस तो अभी मैं जा रहा हूँ घर पे दिशा इस ब्लॉग में यही तक थी अभी आएंगे हमारे ब्लॉग साथ में आएंगे अभी जल्दी ही रिल BTS वाला वीडियो आएगा जल्दी ही ब्लॉग पे BTS वाला रील चे ते नसतात का BTS शॉर्ट पागल व्हिडिओ काढणार आपण कायला समजत रे हेला तो चलो बाय बाय दिशा की तरफ से मी बोलतो बाय बाय तरी बोल सबस्क्राइब करा लाइक करा शेअर करा आणि खूप प्रेम द्या पहिले सारखं थँक यू बाय बाय तिच्याकडून मेरे पास से और बाकी चला गाइस तो अभी मैं घर पे मतलब कभी का घर पे आ चुका हूँ एंड अभी मैं बैठा था तो
मैंने एक स्टोरी डाली थी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, अपने एक सब्सक्राइबर कम था 24K के लिए एंड अपने 24K हो चुके हैं। थैंक यू सो मच आपने इतना जल्दी करा, इतना जल्दी तो नहीं जितने हिसाब से होने चाहिए थे, बट इट्स ओके, किया किया इसे खलास एंड अपने कंप्लीट हो चुके। थैंक यू सो मच टू एवरीवन जिसने मुझे सपोर्ट किया, नहीं करते तो करो सपोर्ट तुम्हारे भाई को। तो अभी मैं घर पर करा चुका हूँ एंड अभी थोड़ी देर के बाद देखते कहीं तो बाहर जाते, बुधवार तो मैं जाऊँगा ही जाऊँगा क्योंकि कल भी गया था बट कल दोपहर को गया था मैं, अभी रात के टाइम में गया एंड बैठेंगे आराम से। दिशा को भी मिल गया, आप सभी का जो आपने सोचा था कि मिलना चाहिए तो वो हो चुका है कंप्लीट एंड बहुत जल्द हम लोग रील्स भी बनाएंगे, वो थोड़े देर के बाद आपको समझ तो आएगा वैसे, तो उस दिन का इंतज़ार करो एंड अभी मैं थोड़ी देर के बाद जाऊँगा बुद्धविहार। गाइस हम लोग अभी आ चुके हैं बुद्धविहार एंड अभी मैं जाता हूँ अंदर आराम से बैठते वगैरह। आज का ब्लॉग बहुत ही सही हुआ है, मस्त आपको आई होप पसंद आ रहा रहेगा एंड अभी हम लोग आ चुका है बुद्धविहार, मैं अंदर जाता हूँ एंड आराम से बैठता हूँ, उसके बाद मैं आपको जाने का टाइम मिलूंगा। गाइस तो मैं बुद्धविहार को जाके आ चुका हूँ एंड अभी मैं जा रहा हूँ मेरे साथ मयूर एंड बेबी पुराने दोस्त, तुम्हारा माहिती का मला कमेंट पण खेळता है का नहीं की मयूर अन बेबी नाही येत तुमच्या ब्लॉग मध्ये आता, असं काय नाही जरा आम्ही जरा आमच्या कामामध्ये असतो आणि केवळ मी केच्या ब्लॉग मध्ये तिथे असतो काय झालं आम्ही आपलं कोणा काय येऊ हा तर आम्ही भेटतो पण असं ब्लॉग मध्ये येत नाही खरंच भेटतो आम्ही टाइमवर निघतो काय बाहेर टाइमवर निघतो। अभी हम लोग जा रहे नेरल के लिए एंड वहाँ पे हमारी मैच है, मतलब बेबी की मैच है, बेबी की मैच है जहाँ पे मैं जाता हूँ एंड आज जा रहे हैं हम लोग मैच देखने, तो अभी निकल चुके फटाफट, आपको मैं सीधा मिलूंगा मैच के टाइम, तो चलो चलते चला निकलिया फटाफट। गाइस तो अभी हम लोग मैच की तरफ पहुंच चुके हैं एंड अभी थोड़ी मैं एडिटिंग करूंगा, आज बाहर ही वक्त के दिन तो फिर यहाँ पे मैच चालू है, बेबी अंदर है एंड वो खेल रहा है, बेबी मतलब शुभम, एक बॉल देखो एक बॉल देखो, तीन एकोनीस तीन चेंडू दस अंक चलते एकोनीस, चार चेंडू दस अंक चलते वीस, शेवटचे दोन चेंडू। यहाँ पे मैच हो रहा है एंड हम लोग यहाँ पे बैठे एंड खा रहे हैं हम लोग चाइनीज आए थे हम लोग साथ में तो वही खा रहे थे, अभी मैं कैसे दिख रहा हूँ मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बस दिख रहा हो तो अच्छा दिख रहा होगा आई होप एंड रुको मैं रिटर्न से चालू करता हूँ। बस तो मैंने रिटर्न से कैमरा चालू कर दिया, मयूर भाई देखो चाइनीज लाए थे हम लोग एंड वही खा रहे थे अभी, उतने में मैंने आपको सोचा कि हम लोग मैच दिखा देते आपको एंड आज का ब्लॉग यही एंड करता हूँ, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताना, मिलते कल के नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा टेक केयर लव यू चला।